नमः शिवाय, जिसका पति या पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई हो और आप उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, वैसे तो बहुत वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो मैंने एक यंत्र के ऊपर बनाई थी कि उस यंत्र को आप भोजपत्र पर बनाएं। उस यंत्र की पूर्ण विधि मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, तो आप उस विधि को पूर्ण नियम अनुसार करें और पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो जिसको भी आप पाना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, जो भी कोई हो जिसको आप पाना चाहते हैं, तो आप उस भोजपत्र पर उस यंत्र को बनाएं। और जैसे जैसे आपको बताया गया है, भोजपत्र पर बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी मनोकामना होगी जरूर पूर्ण होगी। और बहुत सी साधवियां मैसेज में ये भी बोलती हैं कि भोजपत्र उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें भोजपत्र नहीं मिल रहा है तो जहाँ से पूजा की सामग्री मिलती है वहां से ये आसानी से मिल जाते हैं। यदि आपको नहीं मिलता तो जो ऑनलाइन जो चल रहे हैं अमेजोन और भी जो चल रहे हैं उससे भी आप मंगवा सकते हैं। तो वो सभी साधक साध्वी उस यंत्र को केवल और केवल भोजपत्र पर ही बनाए। बहुत सी साध्वियों के तो प्लेन पेपर पर ही बनाने पर भी उनका प्यार उन्हें मिल गया है। केवल और केवल सच्ची श्रद्धा होती है। अगर आपकी भी सच्ची श्रद्धा होगी तो आप प्लेन पेपर पर ही उस यंत्र को बनाएंगे तो आपका वो कार्य जरूर संपूर्ण होगा। और सभी साधक साध्वी जो भी विधि आप देखते हैं उस विधि को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।